नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर माने जाने वाली कोवैक्सीन को लेकर एक स्टडी सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत में बनी स्वदेशी कोवैक्सीन की दो खुराक कोरोना के लक्षण वाले मरीजों में 50% प्रभावी रही है। द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित इस वैक्सीन के रियल वर्ल्ड असेसमेंट का जिक्र किया गया है। लैंसेट में हाल ही में छपी पीयर रिव्यू में यह बात सामने आई थी कि कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ प्रभावी है और ये कोरोना के लक्षण वाले मरीजों में 77.8% तक असरदार है, साथ ही इसमें गंभीर प्रभाव नहीं है। वहीं नई स्टडी के मुताबिक 15 अप्रैल से 15 मई तक दिल्ली के एम्स में करीब 2714 हेल्थ वर्कर्स पर यह स्टडी हुई थी। इन सभी में कोरोना के लक्षण थे और इनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब ये स्टडी की गई तब भारत में डेल्टा वेरिएंट का कहर था और कोरोना के 80% मामलों में यही वेरिएंट पाया गया था। कोवैक्सीन हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पुणे के सहयोग से तैयार की गई थी, जो एक निष्क्रिय संपूर्ण वायरस टीका है जिसके दो डोज लेते हैं। इस साल जनवरी में भारत में 18 साल और उसके ऊपर के लोगों पर इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की इजाजत दी गई थी। इसी महीने WHO ने इसे कोरोना टीकों की स्वीकृत आपातकालीन उपयोग की अपनी सूची में जोड़ा है, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जब देश में डेल्टा वेरिएंट का कहर था तब कोवैक्सीन प्रभावी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।